नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास 11th यूपी बोर्ड प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ठीक है ना, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा समुच्चय समान है। ए में चेक कर लीजिए 2, 4, 8, 12। बी में ऐसा कोई नंबर नहीं है, ये 2, 4 तो मैच हो गया लेकिन 1, 3 मैच नहीं हुआ। सी में 4, 8, 12, 14 मैच हुआ, बट यहाँ पर 2, 4, 8, 12 तक तो है, 4, 8, 2 नहीं है और यहाँ पे 14 नहीं है, जो यहाँ पर है वो इसमें नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो जाएगा। डी में देखें 3, 1 और तो यहाँ पर 3, 1, 4, 2 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो ये और ये मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दें बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये एलिमेंट्स हो गए और डी के एलिमेंट्स भी मैच हो रहे हैं 3, 1, 4 एंड 2 मैच हो गया। तो इस हिसाब से क्या लिखा जाएगा, बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि बी और डी के अवयव, अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, याद रखिएगा, अवयव समान है, अवयव समान है। ठीक, आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड में आपको देखना है फिर कौन सा हो गया। यहां पर देखिए ये नंबर -1, +1 का है और जी में है, जी में -1, +1 यहाँ पर 0 A है बट 0 1 है, यहाँ पर मैच नहीं हुए, तो आपके पास यहाँ पे सेकेंड नंबर पर आ जाएंगे E इक्वल टू -1 and 1 एंड G इक्वल टू 1 and -1। यहाँ पर E और G आपस में इक्वल है, तब आप यहाँ लिख देंगे कि E इज इक्वल टू G, क्योंकि E और G के अवयव समान हैं, ये आपने लिख दिया। ठीक है ना, इसमें करना ये नहीं करना कि A और B आपको लिखना है फिर नहीं, हाँ आप खुद समझदार हो चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं और जहां पर आपका एलिमेंट मैच हो रहा है केवल आप उस बात को लिख दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, वो तो बराबर है ही नहीं, जो बराबर है वो बता दिया, जो नहीं आपने बताया वो बराबर नहीं है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे, लेटेस्ट वीडियोस पहुँचे और आप उस वीडियोस को सबसे पहले देखें, और इससे पहले के क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके उन क्वेश्चन की स्टडी कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग।